नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं कि ठंड ने, ये कहेंगे कि करवट बदली मौसम ने, और ठंड की अगर बात करें तो लगातार कुछ पिछले कुछ दिनों से ठंड पूरी पीक पर है। यानी कि ये कहेंगे धुंध का मौसम है। जब भी आप घरों से बाहर निकलते हैं तो ठिठुरते हैं, घर के अंदर अगर ठिठुर रहे हैं तो घर के बाहर क्या हाल होगा। और पिछले कुछ दिनों से लगातार हम ये कवरेज कर रहे थे कि छुट्टियां जो थी, जो विंटर वेकेशन थी, वो 7 जनवरी तक थी, और यही हर तरफ से ये आवाज़ उठा रही थी कि उसे एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि मौसम के बदले हालात को देखकर कहीं ना कहीं बच्चों के माता पिता परेशान थे। और उसी के चलते अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो मौसम करवट बदल रहा है उसके चलते घरों में रहकर मुश्किल है। और बात करें अगर बाहर की, तो बाहर तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए, क्योंकि टीचर्स की अगर बात करें, स्टाफ की बात करें, फिर भी अपनी कहीं ना कहीं वो इंतजाम कर स्कूलों में जाते हैं। पर अगर बच्चों की बात करें, बच्चों तो वही रेगुलर यूनिफॉर्म में जाते थे, उसी के चलते काफी लोग बीमार भी हो रहे थे, खांसी गला, जैसे 2 दिन से हम भी बीमार थे। तो कहीं ना कहीं जो लोग बाहर जाते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, उन पर ज्यादा इफेक्ट होता। तो हर तरफ से आवाज आ रही थी। और जिस तरह से दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, वहाँ छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया गया था, और लगातार माता पिता भी ये कह रहे थे। पर अगर आज की बात करें तो आज पेरेंट एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया पेरेंट्स के साथ, और उन्होंने यही मांग की कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं छुट्टियां एक्सटेंड करी, या डायरेक्टर स्कूल क्यों नहीं छुट्टियां एक्सटेंड करी। अल्टीमेटली ये कहेंगे कि पेरेंट एसोसिएशन का आज प्रदर्शन कामयाब रहा। जो उन्होंने डिमांड रखी वो कहीं ना कहीं डिमांड सामने पूरी होती नजर आई, क्योंकि पेरेंट एसोसिएशन लगातार इसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे थे कि अगर दिल्ली की बात करें, पंजाब में अगर छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया है तो जम्मू में क्यों नहीं किया गया। तो आज फिलहाल अभी कुछ देर पहले एक आदेश आया कि 15 तक मौसम के हालात को देखते हुए 15 जनवरी तक छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर है पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर जी, इनसे बात करते हैं। हेलो अमित जी। हाँ जी, नमस्कार। अमित जी, क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार आप आवाज उठा रहे थे पिछले कई दिनों से, क्योंकि पेरेंट एसोसिएशन के आप प्रधान हैं, उसे आप लीड कर रहे हैं, और लगातार जब स्कूलों के आदेश थे कि 7 तक बंद है, उसके बावजूद भी कुछ स्कूल लगे थे, आपने वहां पर भी जाकर उन पेरेंट्स की आवाज उठाई जिन्हें जबरन जिनके बच्चों को स्कूलों में ठंड में बुलाया जाता था। पर अल्टीमेटली आज प्रदर्शन देखने को मिला, पेरेंट एसोसिएशन सड़कों पर उतरी पेरेंट्स के साथ, तो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को या डायरेक्टोरेट स्कूल एजुकेशन को आज आदेश निकालना ही पड़ा। जी अमित जी, देखिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सब मीडिया वालों का जी, और सोशल मीडिया का, और साथ ही साथ पूरे जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स का, स्टूडेंट का, जिन्होंने आज साथ दिया, एकजुट होकर हमने आवाज उठाई, और उस आवाज का असर वो निकला कि पहले 719 नंबर ऑर्डर आया कि अप टू 5th क्लास, बिल्कुल, जब उसके लिए भी हमने ऑब्जेक्शन की, उसके लिए भी सबने अपने कमेंट्स डाले, बिल्कुल, तो फिर थोड़ी देर के बाद ऑर्डर आ गया 720 नंबर, मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम ऑर्डर दूसरा निकाल रहे हैं, तो 720 नंबर ऑर्डर आ गया। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स के लिए, और सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को और जम्मू कश्मीर के आवाम को एक चीज समझनी होगी कि हम लोगों को एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को, जम्मू कश्मीर की आवाम, बिल्कुल, जम्मू कश्मीर जब भी एक साथ होकर लड़ा है तब जाकर हमें कुछ कोई जीत हासिल हुई है। जिस तरह आज जम्मू कश्मीर के आवाम ने, जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स ने आज एकजुट होकर एक फाइट करी, घर बैठ कर कमेंट किए, शेयर किए, और आप सबके मीडिया के माध्यम से आज हमारा प्रदर्शन जो था प्रेस क्लब में वो कामयाब हुआ, और अप टू 12th क्लासेस तक जो है प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल अब बंद रहेंगे अप टू 15 जून तक। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, मैं सबसे प्राइवेट स्कूल वालों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे मजबूर मत कीजिएगा कि मैं मीडिया लेके आपके स्कूलों में पहुंचूं। अगर कोई भी स्कूल आपका लगा होगा, अगर आपने बच्चों को जबरन बुलाया होगा, तो मैं ये ऑर्डर स्कूल बंद रखने का है, ये ऑर्डर स्कूल में टीचर बुलाने का भी नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल वाले टीचर को भी नहीं बुला सकते, लेकिन अगर आपने जबरन प्राइवेट स्कूल में बच्चों को बुलाया तो फिर मुझे मीडिया लेके पहुंचना होगा, क्योंकि स्कूल बंद रखने का ऑर्डर है 15 जून तक। क्योंकि उन्होंने ऑर्डर में साफ तौर पर कहा कि अगर इस ऑर्डर की कोई वायलेशन करता उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। और साथ ही साथ अमित कपूर जी, पिछले दिनों जब 7 तक छुट्टियां थी तो तब भी देखा गया था कि स्कूलों के बच्चों को तो बुलाया गया था, साथ में जिस स्कूलों में बच्चों को नहीं बुलाया गया था टीचर्स को भी बुलाया जा रहा था। क्या टीचर्स को ठंड नहीं लगती? क्या टीचर बीमार नहीं हो सकते? जी, गवर्नमेंट की बात अलग है, गवर्नमेंट टीचर्स को, वैसे तो गवर्नमेंट को भी टीचर्स को नहीं बुलाना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूलों में भी अगर गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को बुलाते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि जब ऑलरेडी मतलब
टीचर्स बेचारे वहां पे आके क्या करेंगे, तो टीचर्स को भी ये राहत मिली है, राहत मिलनी चाहिए। और प्राइवेट स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं उनको तो ये स्कूल बुला ही नहीं सकते, बिल्कुल। क्योंकि जब स्कूल बंद रखने का ऑर्डर है, बिल्कुल, जब स्कूल बंद करने का ऑर्डर है 15 जन तक, फिर स्कूल में टीचर को बुलाने का मतलब क्या है जी, मुझे ये समझ नहीं आती। बिल्कुल, मैं प्राइवेट स्कूल वालों से फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के ऑर्डर की बिल्कुल वायलेशन अब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर अब वायलेशन हुई तो मैं पूरे जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी, आप सबके लिए बहुत बड़ी एक जीत हुई है, आप सबकी जीत है, पेरेंट्स की जीत है, आप सबकी ब्लेसिंग की वजह से आज जो हमारा प्रदर्शन है वो कामयाब रहा प्रेस क्लब में, और आप सब मीडिया के माध्यम से जी, आप सबके मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे को अभी भी उन बच्चों को बुला सकते हैं जो 26 जनवरी की बिल्कुल रिहर्सल कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, वो जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई और एक्स्ट्रा बच्चों को स्टडी के लिए, पेपर के लिए, बुलाने के लिए, बुलाने के लिए स्कूल में बुलाते हैं, तो मैं उन स्कूलों के बाहर जाके उन स्कूलों को एक्सपोज करूंगा, फिर मत बोलिएगा कि अमित कपूर मीडिया लेकर आ गया। बिल्कुल अमित जी, आप भी कहीं ना कहीं बधाई के पात्र हैं कि आज आपने अकेले ही फिलहाल शुरू की थी, शुरुआत की थी, जब पेरेंट्स के आपको कॉल आए थे, बच्चों के कॉल आए थे, हमें इस तरह से स्कूलों में बुलाया जा रहा, टीचर्स के कॉल आए थे। क्योंकि अगर बात करें प्राइवेट स्कूलों की, तो प्राइवेट स्कूल में टीचर्स को इतनी सैलरी नहीं दी जाती, पर कल को अगर टीचर बीमार हो जाता तो उतनी से ज़्यादा सैलरी तो उनकी डॉक्टर की फीस को लग जाएगा। पर कहीं ना कहीं ये समझना होगा जी, समझना होगा कि टीचर भी इंसान है। बिल्कुल बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही जी। ये प्राइवेट स्कूल वालों को भी समझना होगा कि स्टूडेंट और पेरेंट्स और टीचर आप लोगों की फैमिली है। बिल्कुल, पेरेंट्स स्टूडेंट और टीचर की वजह से ही आप लोगों के स्कूल ऑनर्स के घर चलते हैं। बिल्कुल, तो ये स्कूल वालों को समझना होगा प्राइवेट वालों को कि आप जो है टीचर्स को भी स्कूल में ना बुलाएं। बिल्कुल, जिस तरह बच्चों को विंटर वेकेशन 15 तारीख तक एक्सटेंड की गई है, बच्चों को भी स्कूल में ना बुलाने की गलती भी ना करें, क्योंकि फिर मैं मीडिया लेके पहुंचूंगा, आपको एक्सपोज करूंगा, फिर आप बोलिएगा कि अमित कपूर ये करता है, अमित कपूर वो करता है, मीडिया ये करती है, मीडिया वो करती है, लेकिन मीडिया सच का साथ देती है। और आज मीडिया ने अपना अच्छा काम किया है जी। और पूरे जम्मू कश्मीर के माँ बाप के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, और आज इन सबकी ब्लेसिंग जो है वो हमें मिली है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सबका जी। चलिए अमित कपूर जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको भी बहुत बहुत बधाई है कि आपके प्रयास से ये सब मुमकिन हो पाया कि आज पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं राहत मिली होगी, बच्चों को भी। धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। ये थे पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर जी। और सबसे बड़ी बात, ये सवाल हम कई बार सोचना चाह रहे थे कि आप तक लाए, कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है, कोरोना काल था या कुछ भी था, प्राइवेट स्कूल से हम यही निवेदन करते हैं कि टीचर को भी अपना परिवार समझिए। जिस तरह से स्कूल में स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं उनके साथ, या टीचर्स या आप लोगों का स्टाफ है, वो भी आपका एक परिवार है। अगर कोरोना काल में बच्चों को नहीं बुलाया जाता था, तो कई बार हमने देखा टीचर्स को बुलाया जाता था। सेम हालात यही थे जेके पब्लिक स्कूल की अगर बात करें, तो जब हमने मैडम से, वहाँ प्रिंसिपल मैम से बात की, शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पर 7 तारीख से पहले ही टीचर्स को बुलाया गया था, जब छुट्टी थी 7 जनवरी तक। तो जब हमने प्रिंसिपल से बात की, तो उन्होंने कहा नहीं जी, पेपर सबमिट करने आ रहे हैं तो 12 बजे तक छुट्टी। जनाब, टीचर भी इंसान है। प्राइवेट स्कूलों में कितनी सैलरी मिलती है टीचर्स को, ये आप भी जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। पर उसके बावजूद भी आप अगर उनको बुलाते हैं, अगर कल को वो बीमार पड़ जाते हैं, उनको की परेशानी आ जाती है, तो खुद सोचिए, इतनी आप सैलरी नहीं देते जितनी उन्हें डॉक्टर को फीस देनी पड़ेगी। तो ये भेदभाव ख़त्म कीजिए। अगर छुट्टी है तो इसका मतलब छुट्टी है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। तो अब ये देखिए, हमारी भी पैनी नज़र रहेगी कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अगर इस आदेश की अवेलना करेगा, या हमें हम तक ये बात पहुंची, या पेरेंट्स ने हम तक बात पहुंचाई कि प्राइवेट स्कूल इस सरकारी आदेश की अवेलना कर रहे हैं, हम जरूर स्कूल के बाहर जाकर उस स्कूल को एक्सपोज करेंगे, जैसे पिछले दिनों हमने मॉडल एकेडमी को और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल को एक्सपोज किया था। तो खुद सोचिए, अगर उन स्कूलों को एक्सपोज करने में हम पीछे नहीं रहे, तो बाकी स्कूलों को क्यों हम एक्सपोज नहीं करेंगे, अगर आप इस आदेश की अवेलना करते हैं। और साथ ही साथ जम्मू की अगर बात करें, हमेशा जम्मू वासियों के साथ ऐसा ही होता है कि टेस्टिंग लेबोरेटरी की तरह यूज किया जाता है। पंजाब में छुट्टियां, दिल्ली में छुट्टियां, तो जनाब जम्मू में क्या है कि जम्मू में कोई स्पेशल इन लोगों को ट्रीटमेंट मिलता है हमारे जनता को, कि जिसकी वजह से वो बीमार ना होंगे, जिसकी वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, फिर जाकर आप लोग आदेश पास करते हैं? ये बड़ा बड़ा सवाल रहेगा
कि क्यों बिना मांगे क्यों नहीं हमारी जनता को दिया जाता। अब ये भी देखा देखा जा रहा कि जिस तरह से ये कहा गया जो रिहर्सल हो रही है, यानी 26 जनवरी की एक नेशनल फेस्टिवल है हमारा देखा जाए तो, उसके माध्यम से जो रिहर्सल चल रही है वो रिहर्सल के लिए लोग बच्चे जा सकते हैं, टीचर भी जा सकते हैं, पर वही टीचर जो रिहर्सल करवाते हैं। और उसके बाद ये भी आदेशों में लिखा गया है, पहले तो पाँचवीं तक इन्होंने कहा कि पाँचवीं तक के बच्चों को जो छुट्टियां एक्सटेंड कर दी गई हैं पाँचवीं क्लास तक। जब फिर से शोर उठा कि आप बारहवीं क्लास तक बच्चे अगर जो हैं क्या उनको ठंड नहीं लगेगी, क्या उनको टीचरों को ठंड नहीं लगेगी, तो फिर एक और आदेश पास होता है। तो वही आदेश एक ही कर क्यों नहीं करा गया, यानी समझने की बात है। जनता जब आप तक बात लाएगी चिल्लाएगी फिर जाकर आपको समझ आएगी। फिर भी हम कहेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का शुक्रिया। चलिए देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही, आपने आदेश तो निकाला जिससे चल के कम से कम हमारी जनता को यानी पेरेंट्स को और बच्चों को कम से कम राहत तो मिलेगी। क्योंकि मौसम इतना खराब है आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप बीमार होगे, क्योंकि कम से कम मुंह के ऐसे तो हमने कपड़े पहने होते पर मुंह के रास्ते जो अंदर हवा जाती जो इतनी बुरी तरह से ठंड पड़ रही है, पहले तो आपका गला पकड़ेंगी उसके बाद आपको फीवर होगा जैसे हमें हुआ था। क्योंकि हम लोग कपड़े तो पहन लेते हैं पर मुंह को किस तरह से बांधे, क्योंकि हमारा तो काम ही बोलने का, अगर बांध लेते तो आवाज़ नहीं आती है तो फिर कमेंट्स आएंगे मैडम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा जब भी आप बाहर निकलते हैं, अपने आप को इस मौसम में कवर कर निकलिएगा, अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलिए। दो तीन दिन कुछ दिन की बात है, जब लोहड़ी होगी उसके बाद तो वैसे ही मौसम चेंज हो जाएगा। ये थोड़े दिनों में आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और फिर से कहेंगे जाते जाते अपना ध्यान रखिएगा, कपड़ों को पहनकर गर्म कपड़े पहनकर रखिए, सिर को ढककर रखिए, घर से जब बाहर निकलते कोशिश कीजिए कि गर्म पानी का सेवन कीजिए, ठंडा पानी मत पीजिए, क्योंकि इससे चेस्ट खराब होने का खतरा, निमोनिया इस मौसम में होता है। और जिस तरह की इस समय धुंध है सर को ढककर रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें इस मौसम में के हार्ट अटैक के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोशिश कीजिए इन सब चीज़ों से बचिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे मार्सा अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।